हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंचन शर्मा, कंचन स्मार्ट किचन से। आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले। दही भल्ले सभी को पसंद आते हैं, इसलिए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी कैसे बनती है। हमने यहाँ पे एक कप भीगी हुई मूंग की दाल ली है, इसको रात भर भिगो के रख दिए थे। अब इसको हम मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड करेंगे। इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च भी साथ में डालेंगे और फिर इसको अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने दाल का पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको अच्छे से फेंटना स्टार्ट करेंगे जब तक इसमें एयर कॉपरेट नहीं हो जाए। हमने दाल को अच्छे से 10 मिनट के लिए फेंट लिया है। अब एक बाउल में पानी लेंगे और दाल को चेक करेंगे। ये देखो, दाल डालने पे ऊपर आ गई है। तो अब बड़े बनाने के लिए हमारी दाल बिल्कुल बनके रेडी है। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून जीरा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने कढ़ाई में रिफाइंड तेल डाला है बड़े तलने के लिए और अब हम बड़े बना के रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे चम्मच से बड़े डाल रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं। मैं चम्मच से डाल रही हूँ इसीलिए ये फ्लैट बन रहे हैं। आप हाथ से डालोगे तो ये आराम से गोल बनेंगे। और अब इनको लो टू मीडियम पे फ्राई करके निकाल लेंगे। इनको अब गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे बड़े अच्छे से। जब तक पक नहीं जाते तब तक हमें इनको निकालना नहीं है, जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। यहाँ पे हमने बाउल में गुनगुना पानी लिया है और इन बड़ों को 5 मिनट के लिए गुनगुने पानी में सोक करने के लिए रख देंगे। और अब हम यहाँ पे 2 कप दही लेके दही को अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें दही में 2 चम्मच चीनी डालेंगे और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे और 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम हमारे भल्लों को अच्छे से सेपरेट करेंगे पानी निकाल के। अब हम भल्लों के ऊपर दही डालेंगे और इसके ऊपर से गार्निश करने के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा भी डालेंगे और
इसको अच्छे से गार्निश कर देंगे। अब हमारा दही भल्ला खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।